किसी के लिए सिगरेट नशा है तो यही सिगरेट किसी के लिए करोड़ों का धंधा है। जी मैं बात कर रहा हूँ कोट कंपनी के फाउंडर नमन गुप्ता के बारे में, जो फेंके हुए सिगरेट के बट के थ्रू से करोड़ों कमाते हैं। तो नमन गुप्ता ने देखा कि हर साल दुनिया में करीब 4.5 ट्रिलियन सिगरेट के बट्स ऐसे फेंके जाते हैं जो कि हमारे एनवायरमेंट के लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। तो यहाँ से शुरू होता है कोट कंपनी का। ये कंपनी फेंके हुए सिगरेट के बट्स को कलेक्ट करती है या फिर कबाड़ी वाला से इसे 300 रुपया केजी के हिसाब से खरीदता है। और ये कंपनी इस बट्स को 3 भागों में सेपरेट करती है। सबसे पहले इस बट से इस पेपर को अलग किया जाता है, उसके बाद इस पेपर में कुछ केमिकल मिला के इसे मॉस्किटो भगाने वाले कार्ड्स बनाए जाते हैं। फिर इस बट्स में बचे तंबाकू को सेपरेट किया जाता है, उससे खेतों में यूज करने वाले खाद बनाए जाते हैं। और आखिरी इसमें बचे कुछ माइक्रो फाइबर जिसमें कुछ केमिकल मिला के इससे टॉयज बनाए जाते हैं। तो इस छोटे से बट्स के थ्रू से कई सारे प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं और ये प्रोडक्ट को सेल करके कोट कंपनी करोड़ों रुपया कमाते हैं।